अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 10.1 कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पे आपने करवाना है मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा से, ठीक है जी। अब यहाँ से आपके पास एलसीएम आएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ऊपर आपके पास बचा, मैं फिर से एलसीएम का इस्तेमाल करूँ, ये हो रहा है मल्टीप्लाई, तो साइन थीटा मल्टीप्लाई हुआ 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये भी क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ ये फॉर्मूला बन गया, ये बन गया 1 माइनस कॉस, ये स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर, फॉर्मूला 1 का स्क्वायर बन ही रहता है, डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के, डिवाइडेड बाय साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। एक साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा सिर्फ साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, जो कि बराबर है राइट हैंड साइड के, और यही हमें करना था प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे आपने ले ली है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आपके पास है टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के, तो ये आपके पास हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह से टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा से, और सेक स्क्वायर थीटा या आप कह लें, बल्कि यहाँ पे आप लें कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। जनाब टेन स्क्वायर थीटा की जगह आप यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, अच्छा क्या 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, ये बराबर यानी बचा क्या आपके पास साइन स्क्वायर थीटा के, जो के बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के, ये हमें करना था। क्वेश्चन नंबर 16, तो जनाब लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा के। जनाब लेफ्ट हैंड साइड ले लें आप, फॉर्मूले हमारे पास क्या है, फॉर्मूले हमारे पास हैं कॉस थीटा बराबर है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के, टेन थीटा बराबर है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के, ठीक है। और अब यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आपने पुट करने हैं, ये आपके पास हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे है कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस टेन थीटा की जगह आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये आपके पास हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। एलसीएम आपके पास आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऊपर बचेगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, ये आपके पास हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। जनाब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा जो है कॉस थीटा के डिवाइड में भी है और साइन थीटा के डिवाइड में भी, इसको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ से जनाब कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल होगा, बचेगा 1 अपॉन साइन थीटा,
यहाँ साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल होगा, बचेगा वन अपॉन कॉस थीटा, जना वन अपॉन साइन थीटा और वन अपॉन कॉस थीटा। वन अपॉन साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा के, वन अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा के, ठीक है। अब दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है तो या तो बाद में लिखें कोई भी वैल्यू या पहले लिखें, बात एक ही है। सेक थीटा अगर हम पहले लिख दें तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ये बराबर है राइट हैंड साइड के, ये ही हमें करना था प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 17, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करना है टेन थीटा और साइन थीटा के बराबर। सेक थीटा बराबर है वन अपॉन कॉस थीटा के माइनस कॉस थीटा एज इट इज, एलसीएम आएगा कॉस थीटा तो ऊपर बचेगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के अपॉन कॉस थीटा एज इट इज। जिन्हें ऊपर साइन स्क्वायर थीटा है तो हम साइन स्क्वायर थीटा को हम अलग अलग करके लिख लें, एक साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करके लिख लें और एक साइन थीटा अलग से लिख लें, ठीक है। जब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा के, ये साइन थीटा एज इट इज और ये देखें ये हमारे बराबर आ गया है राइट हैंड साइड के और यही हमें करना था प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 18, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर। जनाब आपने ली लेफ्ट हैंड साइड, अब यहाँ पे आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा, तो जनाब वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा तो एज इट इज, ठीक है। अब आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है वन माइनस साइन थीटा से, जनाब ये आपके पास हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम नहीं ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, फॉर्मूला क्या है यहाँ पे लग रहा है, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी, बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में है, तो ये आपके पास हो जाएगा वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ दोनों पे स्क्वायर है तो रूट कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा वन माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। जब आप ब्रेकिंग एलसीएम करेंगे, ब्रेकिंग एलसीएम करने से हमारे पास क्या आएगा, वन अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब वन अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा के, ये माइनस एज इट इज, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा के, ठीक है। और ये बराबर आ गया हमारे राइट हैंड साइड के, ये भी हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 19, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो देखें लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा। अब दोनों में से क्या हमारे पास कॉमन आ रहा है, साइन थीटा और कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमने कॉमन निकाल लिया, बचा क्या हमारे पास टेन थीटा, यहाँ पे हमारे पास बचा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा के अपॉन, ऐसे चले हम यहाँ पे फिलहाल अभी हम कॉमन नहीं लेते, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास है साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा की जगह आपने वैल्यू पुट कर दी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है ना, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा।
कॉस थीटा की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी, ये होती है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर आप कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा से तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा से तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि बराबर होता है वन के। ये बराबर आ गया राइट हैंड साइड के, ये भी हो गई यहाँ प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 20, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वन प्लस साइन थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा। इसमें साइन थीटा बराबर होता है वन अपॉन कॉस थीटा के, वन माइनस यहाँ भी साइन थीटा की वैल्यू लिख देंगे वन अपॉन कॉस थीटा के बराबर। एलसीएम आएगा कॉस थीटा, ऊपर बचेगा कॉस थीटा प्लस वन डिवाइडेड बाय, यहाँ भी कॉस थीटा हमारे पास एलसीएम आएगा, ऊपर बचेगा कॉस थीटा माइनस वन। कॉस थीटा से कॉस थीटा हो जाएगा आपस में कैंसिल, ऊपर बचा कॉस थीटा प्लस वन डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस वन, जो के बराबर है राइट हैंड साइड के, ना ये भी हो गया है प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे, एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन टर्म ऑफ कॉस थीटा, यानी कि हमें साइन थीटा ही मालूम करना है, टैन थीटा मालूम करना है, कॉस थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, सारी वैल्यूज मालूम करनी है और उसमें कॉस थीटा आना लाजमी है, ठीक है, इन टर्म ऑफ कॉस थीटा पहले पार्ट में कह रहे हैं, तो सारी वैल्यूज में कॉस थीटा आना लाजमी है। जनाब साइन थीटा के लिए हमें मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन के, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर खत्म करेंगे तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, रूट लगेगा तो प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है, तो ये साइन थीटा की वैल्यू भी आ गई हमारे पास इन टर्म ऑफ कॉस थीटा। फिर हम मालूम करेंगे फॉर टैन थीटा के लिए, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के, तो साइन थीटा बराबर है प्लस माइनस वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा एज इट इज, ठीक है, तो ये वैल्यू भी आपके पास आ गई टैन थीटा की। अब हम मालूम करेंगे फॉर कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है वन अपॉन टैन थीटा के, तो हम टैन थीटा की वैल्यू हमारे पास है ये हो जाएगी वन अपॉन प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा डिवाइड में है, ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन अब कॉस थीटा भी आपके पास आ गया प्लस माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन आप मालूम कर लें यहाँ फॉर सेक थीटा, लेकिन अब सेक थीटा सिंपल बराबर होता है वन अपॉन कॉस थीटा के, बचा अब आपके पास कॉसेक थीटा, जनाब कॉसेक थीटा आपके पास हो जाएगा वन अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है, साइन थीटा हमने निकाला था यहाँ पे, ये आपके पास हो जाएगा वन अपॉन प्लस माइनस रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सेकंड पार्ट में सेक थीटा, तो यानी अब जितने भी हमने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मालूम करने हैं उसमें सेक थीटा आना लाजमी है। सबसे पहले आप मालूम करें फॉर टैन थीटा के लिए, पूरा वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के, टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन के, जब हम स्क्वायर ख़त्म करना है तो
इसका रूट लगेगा, यहाँ से आपके पास tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस वन। मालूम कर लो फॉर cos थीटा, सिंपल जनाब, यहाँ पे cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा के। अब आपने मालूम कर लेना है फॉर cot थीटा, cot थीटा का फॉर्मूला होता है 1/tan थीटा, यहाँ से आपके पास cot थीटा बराबर आ जाएगा 1/(+-tan θ) की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं sec²θ-1 के। अब आप निकाल लें फॉर cosec थीटा, जनाब cosec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1+cot²θ के। cot की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये आपके पास हो जाएगी 1+cot²θ बराबर है 1/(+-sec²θ-1)। यहाँ पे स्क्वायर है तो ये इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, ये ना cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1+। अब यहाँ पे पावर इवन है तो बचेगा आपके पास सिर्फ 1/sec²θ-1। और ये फर्दर यहाँ से आपके पास एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा sec²θ एलसीएम आएगा, यहाँ आपके पास बचेगा -1 LCM आएगा sec²θ-1 LCM आएगा, ऊपर आपके पास बचेगा sec²θ-1 और ये +1 आ जाएगा, +1 से -1 कैंसिल, जनाब ये आपके पास हो जाएगा cosec²θ = sec²θ/sec²θ-1। अब इसके ऊपर है स्क्वायर, स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट लगाते हैं तो ये हो जाएगा cosec थीटा, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो sec स्क्वायर sec थीटा हो जाएगा सिर्फ, डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा +-sec²θ-1। मालूम करने फॉर sin थीटा के लिए, sin थीटा बराबर होता है 1/cosec θ के, यानी कैसे प्रोकल, मतलब यहाँ से आपके पास sin थीटा बराबर आ, इस वैल्यू को आपने रेसिप्रोकल कर देना है +-√ sec²θ-1, न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा sec थीटा, ये आपके पास sin थीटा की वैल्यू भी आ, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। पार्ट 3 में हमारे पास है cosec थीटा, तो जनाब sin थीटा मालूम कर लेते हैं, sin थीटा सिंपल हमारे पास हो जाएगा 1/cosec θ। फॉर cot थीटा मालूम कर लेगा, तो जनाब यहाँ से हमें पता है कि cosec²θ बराबर होता है 1+cot²θ के, जनाब cot²θ बराबर हो जाएगा cosec²θ-1 के। स्क्वायर खत्म करने के लिए रूट लगता है तो cot थीटा बराबर हो जाएगा +-√ cosec²θ-1 के। फॉर tan थीटा, tan थीटा क्या होता है 1/cot थीटा, यानी cot थीटा का रेसिप्रोकल, तो यहाँ से आपके पास tan थीटा की वैल्यू आएगी 1/(+-cosec θ-1) के बराबर। अब आप मालूम कर लें फॉर cos थीटा, ठीक है, फॉर cos थीटा आपके पास हो जाएगा sin²θ +
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन के, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। कॉस स्क्वायर थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास थी वन अपॉन कॉसेक थीटा, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा तो ये स्क्वायर लग गया आपके पास। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा वन माइनस वन अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा के, कॉसेक स्क्वायर थीटा एलसीएम आएगा तो ऊपर आपके पास बचेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन के। कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर खत्म करेंगे तो अंडर रूट लगेगा तो कॉस थीटा बराबर आएगा प्लस माइनस अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ कॉसेक थीटा, जनाब कॉस थीटा भी आपके पास आ गया। बचा सेट थीटा तो वो भी मालूम कर लेते हैं, सेट थीटा बराबर होता है वन अपॉन कॉस थीटा के। तो जनाब सेट थीटा यानी कि रेसिप्रोकल है कॉस थीटा का, कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी, कॉस थीटा की हमने वैल्यू निकाली इसको रेसिप्रोकल कर दें सिंपल, ये आपके पास हो जाएगा कॉसेक थीटा डिवाइडेड बाय प्लस माइनस अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब ये प्लस माइनस चाहे तो आप यहाँ लिखें चाहे तो आप ऊपर करके लिखें, बात एक ही है ठीक है जना। तो यहाँ से आपके पास सेट थीटा भी ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। फोर पार्ट में हमें गिवन है टेन थीटा, अब यहाँ पे आपने मालूम करना है सबसे पहले फॉर सेक थीटा के लिए ये हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा के। फिर आप स्क्वायर खत्म करने के लिए रूट लगेगा, जहाँ सेक थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा के, रूट लग रहा है तो प्लस माइनस लग जाएगा साथ में। इसी तरह फॉर कॉस थीटा, कॉस थीटा आपके पास हो जाएगा वन अपॉन साइन थीटा के बराबर, फॉर साइन थीटा, साइन थीटा के लिए हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन के। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है कॉस स्क्वायर कॉस थीटा हम निकाल चुके हैं, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रखेंगे वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम रखेंगे वन अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा की जगह हम लगेंगे ये पूरी वैल्यू ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आएगी प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फॉर कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर होता है वन अपॉन साइन थीटा के, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा। अब हमारे पास रह गया कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है वन अपॉन टेन थीटा ठीक है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है कॉट थीटा, कॉट थीटा तो हम यहाँ सबसे पहले हम मालूम कर लेते हैं टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है वन अपॉन कॉट थीटा के। फॉर कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा के लिए हमारे पास हो जाएगा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, जनाब कॉसेक थीटा हो हमारे पास बराबर हो जाएगा प्लस माइनस वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। फॉर साइन थीटा,
साइन थीटा आपके पास क्या होता है, कोसाइन थीटा का रेसिप्रोकल, तो साइन थीटा आपके पास आ जाएगा 1/(+-1+) कॉट स्क्वायर थीटा के। फॉर सेक थीटा, सेक थीटा के लिए हमें मालूम है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1+tan² थीटा के। टेन स्क्वायर थीटा बराबर है, यानी टेन थीटा हमारे पास है 1/cot थीटा, तो यहाँ पे 1/cot थीटा लिख देंगे। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1+1/cot थीटा का होल स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1+1/cot² थीटा। अगर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एलसीएम आपके पास आएगा कॉट स्क्वायर थीटा, तो ऊपर बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन, स्क्वायर है अंडर रूट, बोथ साइड पे हम ले लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू +-√1+cot² थीटा डिवाइडेड बाय, इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा कॉट थीटा। अब हमारे पास क्या रहेगा मालूम करने के लिए, कॉस थीटा, जो कि बराबर होता है 1/sec थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा का हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉस थीटा हमारे पास आ जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा कॉट थीटा डिवाइडेड बाय √1+cot² थीटा प्लस माइनस, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, कह ट्रांसफॉर्म द फर्स्ट एक्सप्रेशन, यानी कि ये जो हमें गिवन है इनटू द सेकंड, यानी sec थीटा प्लस वन इंटू sec थीटा माइनस वन इंटू tan स्क्वायर थीटा में ट्रांसफॉर्म करना है हमने, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस वन। और हमें मालूम है कि sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1+tan² थीटा के। ठीक है, तो sec स्क्वायर थीटा की जगह हम पुट कर देंगे 1+tan² थीटा, ये माइनस वन एज इट इज, वन से वन कैंसिल, बचा tan स्क्वायर थीटा। cosec थीटा प्लस cot थीटा को ट्रांसफॉर्म करना है 1+cos θ/sin θ के, फिर अब cos थीटा बराबर होता है 1/sin θ, cot थीटा बराबर होता है cos θ/sin θ के, sin थीटा एलसीएम आएगा तो ऊपर बचेगा 1+cos θ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे हमारे पास 1 cos θ + 1 cos θ, इसको ट्रांसफॉर्म करना है sin स्क्वायर थीटा में, यहाँ पे ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये हो जाएगा 1-cos²θ, और हमें मालूम है कि 1-cos²θ बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा में। क्वेश्चन नंबर 25, cos θ/sin θ माइनस cosec θ/cos θ, इसको ट्रांसफॉर्म करना है -tan θ में, फिर अब यहाँ से हमारे पास एलसीएम आ जाएगा sin θ cos θ, ऊपर हमारे पास बचेगा cos²θ माइनस cosec θ × sin θ, cos²θ माइनस cosec θ बराबर होता है 1/sin θ के, डिवाइड में sin θ और cos θ कैंसिल, cos²θ माइनस यहाँ पे हमारे पास बचा 1, डिवाइड में आपके पास है sin θ × cos θ। अब यहाँ पे हमारे पास है cos²θ माइनस 1, और हमारे पास क्या होता है sin²θ बराबर होता है 1-cos²θ के, तो यहाँ से हमने ले लिया माइनस कॉमन, तो हमारे पास ब्रैकेट में बच जाएगा 1-cos²θ, ठीक है, डिवाइडेड बाय sin θ cos θ, ठीक है, माइनस कर, वो सिर्फ माइनस हमने कॉमन ले लिया, स्पीड हम से माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस वाली टर्म पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव टर्म नेगेटिव हो गई, अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा sin²θ, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा -sin²θ डिवाइडेड बाय sin θ cos θ। एक sin θ से एक sin θ कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा -sin θ अपॉन
cos theta और sin theta upon cos theta बराबर होता है tan theta के, और ये minus LHS is, और यही हमें ट्रांसफॉर्म करना है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 10.9 कंप्लीट हो।